एक्टर सोनू सूद और पॉलिटिशियन जीशान सिद्दीकी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहा टू इन्वेस्टिगेट कि पैंडेमिक के दौरान सोनू सूद और जीशान सिद्दीकी ने कैसे रेमडेसिविर प्रोड्यूस किया और क्या ये इंजेक्शंस को सही तरीके से एक्वायर किया गया था। रिपोर्टेडली कोर्ट ने कहा है दीज पीपल सेलेब्स प्रोजेक्टेड देमसेल्व्स एज सम काइंड ऑफ मसीहा without verifying if the drugs were spurious or if the supply was legal. In this case, we asked the state government to scrutinize their actions. It further added, since both were dealing directly with the public, was it possible for the public to ascertain the quality or source of these drugs? वही महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वकील ने reportedly कोर्ट को बताया है कि MLA जीशान सिद्दीकी ने एक ट्रस्ट BDR फाउंडेशन से रेमडेसिविर प्रोक्योर किया और इस फाउंडेशन के पास इस इंजेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने का लाइसेंस नहीं था। ऐसे में इस फाउंडेशन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और सोनू सूद को लेकर इस वकील का कहना है कि सोनू सूद ने कई सारी फार्मेसी से इंजेक्शंस को एक्वायर किया था और अभी इसे लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक्ट्रेस विद्या बालन ने इंडस्ट्री में पूरे कर लिए हैं 16 इयर्स और विद्या बालन का अपनी इस जर्नी पर कहना है आई कंप्लीटेड 16 इयर्स इन द इंडस्ट्री ऑन 10th जून। परिणीता वाज रिलीज्ड ऑन दैट डे। वी वर ऑल इन एम्स्टरडम फॉर द प्रीमियर। इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी, वेरी फुलफिलिंग। आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई हैव रिसीव्ड सो मच लव दैट आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल एंड आई कीप सेइंग हाउ कैन दिस गेट एनी बेटर। My father had called me and said, "Can you believe it's been 16 years for you?" And I was like, "Oh my God, 16 years just flew by for me." वहीं विद्या बालन से जब पूछा गया क्या वो अपनी फिल्म चॉइसेस से खुश हैं, तो इस पर विद्या बालन ने कहा, "She never regretted her decisions." विद्या बालन का कहना है कि फिल्म्स की सक्सेस या फेलियर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में वो किसी भी चीज को लेकर रिग्रेट नहीं करती। एक्ट्रेस अलाया एफ ने पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन का फर्स्ट जैब ले लिया है और अलाया एफ ने अपनी वैक्सीनेशन के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर किया है शेयर। हाल ही में अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म बेल बॉटम की रिलीज डेट को अनाउंस किया था ऑन सोशल मीडिया, लेकिन हर कोई देख कर हैरान है कि नॉर्मल फ्राइडे की जगह अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म को ट्यूजडे को थिएटर्स में रिलीज करने का डिसीजन लिया है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 27th जुलाई को ना तो कोई हॉलिडे है ना फेस्टिवल, लेकिन अब एक इंडस्ट्री इनसाइडर ने इस वजह रिवील की है। दरअसल अक्षय कुमार का लकी नंबर 9 है, यही वजह है कि मेकर्स ने 2+7 के कॉम्बिनेशन वाली डेट को चूज किया है फॉर द रिलीज ऑफ हिज फिल्म। वैसे जब इस सोर्स से पूछा गया क्या 27th जुलाई को ये फिल्म फुल डे रिलीज होगी या सिर्फ इसके पेड प्रीव्यूज रखे जाएंगे, तो इस पर सोर्स का कहना है कि इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये फिल्म फुल डे रिलीज होगी। लीसा हेडन एंड डीनो ललवानी आर ऑल सेट टू वेलकम देयर थर्ड चाइल्ड और रिसेंटली लीसा हेडन के फ्रेंड्स ने उनके लिए ऑर्गेनाइज किया एक बेबी शावर और लीसा हेडन ने इस स्पेशल सेरेमनी की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। एंड वी हैव टू से ये ऑल वाइट बेबी शावर पार्टी थी काफी इंटरेस्टिंग। क्या एक्टर शाहिर शेख और उनकी वाइफ रुचिका कपूर आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड? वेल, सोशल मीडिया पर ये न्यूज वायरल हो गई है और इसकी वजह है कल रात हुई एक बर्थडे पार्टी में देखा रुचिका कपूर का बेबी बम्प। वैसे रुचिका कपूर ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने बेबी बम्प को हाइड करने की कोशिश जरूर की, लेकिन नेटिजंस ने इन पिक्चर्स को डीकोड कर लिया। आपको बता दें, लास्ट ईयर नवंबर में शाहिर शेख और रुचिका कपूर की हुई थी शादी। वैसे शाहिर शेख से जब रुचिका कपूर की प्रेगनेंसी को लेकर सवाल किया गया था तो ही चोज नॉट टू स्पीक अबाउट इट, बट अब रुचिका कपूर की लेटेस्ट पिक्चर्स ने रूमर्स को ऑलमोस्ट कर दिया है कन्फर्म। मीका सिंह ने हाल ही में KRK के ऊपर एक डिस ट्रैक KRK कुत्ता रिलीज किया था और अब रिपोर्ट सामने आई है कि KRK मीका सिंह के लिए एक डिस ट्रैक बना रहे हैं जिसका नाम होगा सुअर।
इससे पहले मीका सिंह ने अपने एक स्टेटमेंट में रिवील किया था कि KRK इज नॉट अलाउड टू एंटर द कंट्री एज ही हैज डन सम काइंड ऑफ फ्रॉड। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने केप टाउन से अपने बच्चों रियांश और पलक के साथ किया इंटरैक्ट थ्रू वीडियो कॉल और सोशल मीडिया पर इस इंटरैक्शन के स्क्रीनशॉट को श्वेता तिवारी ने किया शेयर। आपको बता दें, श्वेता तिवारी के हस्बैंड अभिनव कोहली ने उन पर कुछ सीरियस एलिगेशन लगाए थे व्हाइल श्वेता तिवारी वाज लीविंग फॉर केप टाउन। अभिनव कोहली का कहना था कि श्वेता तिवारी ने अपने बेटे रियांश को अबैंडन कर दिया है और श्वेता तिवारी ने इस आरोप को पूरी तरह से गलत बताया था।